हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप। मैं चंदन सर, जो पिछला वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें मैट्रिक्स का इतिहास पर बात किए थे, और आज हम लोग को वीडियो बनाना था कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स कहते किसे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इस पर बात करना था। बट ऑफलाइन क्लास में इन्वर्सिटी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे तो बच्चों कहा कि सर उसमें हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन को बता दीजिएगा, कुछ अपर लेवल का क्वेश्चन को बता दीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को बता दीजिएगा। कमेंट में भी लिखे थे बच्चों, इसलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ खास प्रश्न, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ खास क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हम लोग कोरिडेंट पढ़े थे, चतुर्थांश पढ़े थे, और चतुर्थांश में हम लोग बताए थे इलेवेंथ क्लास में भी, और ट्वेल्थ क्लास की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब पढ़ाए थे तो उसमें भी हम बताए थे। उसको पहले रिविजिंग करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस करके बताएंगे। तो एक लाइन खड़ा तीरेंगे और एक लाइन पड़ा तीरेंगे। एक लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल है और दूसरा लाइन का नाम है वर्टिकल। इसको हम लोग बोलते हैं इवेन पाई और इसको हम लोग बोलते हैं ऑड पाई। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। आप लोग जानते हैं कि इसमें और निष्पत्तियां पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन कॉस कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि और निष्पत्तियां पॉजिटिव होते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में हम लोग कहेंगे कि टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कहेंगे कि कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए छोटो कि इसमें इवेन पाई प्लस थीटा, इसमें ऑड पाई माइनस थीटा, इसमें ऑड पाई प्लस थीटा, इसमें इवेन पाई माइनस थीटा। तो हम लोग को ऑड और इवेन क्या होता है तो मालूम हो। जैसे बोले 2π, 4π, 6π, तो सब के सब को हम बोलते हैं इवेन। अगर इसमें हम बोले पाई 3π, 5π, 7π .. ये सब आपको कहलाएगा ऑड। तो इसमें अगर हम कह दे छोटू कि 2π + θ, 4π + θ, 6π + θ और भी हो सकता है। इसमें अगर हम कहें छोटू कि π - θ, 3π - θ, 5π - θ इसी तरह और हो सकता है। इसमें अगर कहें छोटू तो π + θ, 3π + θ, 5π + θ .. अब हम लोग देखेंगे, अगर इसमें हम अगर बात करें तो बोलेंगे 2π + θ की जगह पर हो जाएगा -θ, 4π - θ,
सिक्स पाई माइनस थीटा आर भी हो सकता है। एटलीस्ट इलेवेंथ क्लास में भी हम इस पर बात किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एनी हाउ हर हाल में इसको समझना होगा। तो याद करना बहुत सिंपल है, प्रथम चतुर्थांश आप जानते हैं कि सभी निष्पत्तियां पॉजिटिव, यानी पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस इवन कहेंगे तो फर्स्ट नहीं तो फोर, आउट कहेंगे तो सेकेंड नहीं तो थर्ड। अगर हम इवन बोलेंगे प्लस में थीटा तो फर्स्ट में, अगर इवन बोलेंगे माइनस में थीटा तो फोर्थ में, अगर आउट बोलेंगे प्लस में माइनस में थीटा तो सेकेंड में, और आउट बोलेंगे प्लस में थीटा तो कोची में थर्ड। ये जनरल चीज है, इसको आपको एनी हाउ हर हाल में याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो जो आगे कॉन्सेप्ट दे रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से, आप लोग मुख मान शाखा को याद किए हों, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का क्या होता है। तो आप लोग को साइन इनवर्स एक्स का अगर मुख मान शाखा पर हम बात करें छोटू, तो आप लोग कहिएगा कि सर पढ़ाए थे कि बड़ी कोस माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, शायद याद आ गया, और कॉस इनवर्स को हम पढ़ाएंगे छोटू तो उसमें हम आपको लिखाए हूं कि बड़ी कोस्ट दीजिएगा और जीरो से कहां तक होगा पाई तक। और एक हम बताए थे टैन इनवर्स एक्स, इसमें भी आप लोग को हम बताए थे कि माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक होता है, शायद ये आपको याद हो। लेकिन हम लोग क्वेश्चन रेडियन में देने रहता था, आराम से बना लेता, अब रेडियन ही देगा, अंक में देगा, थोड़ा टफ देगा, जिससे आपको दे दे कि साइन इनवर्स साइन फाइव। अगर साइन इनवर्स साइन फाइव अगर कहा तो इसका मतलब रेडियन में है, नंबर में है, तो इसका मान भी नंबर में बताना होगा पहले। तो नंबर में इसको क्या लिख पाएंगे छोटू, तो नंबर में जैसे हम लोग पाई के मान टेंथ में और इलेवेंथ में भी पढ़े थे कि 3.14285, जनरली हम लोग याद करते हैं 3.14, तो यहां पर 3.14 में दो से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर आएगा हम लोग को -1.5 to 1.5, आया ना, भाग देकर देख ले। और इसमें अगर हम कहें तो 0.2 हो जाएगा आपको 3.14। अगर इसमें हम बात करें छोटू, लेकिन याद रखें टैन इनवर्स में है जो छोटी कोस्ट होता है, याद रखें। और इसमें अगर हम बात करें छोटू तो -π/2 जो है पाई, इसमें भी उसी तरह 3.14 करेंगे तो भाग दूसरे दे तो -1.5 to 1.5। ये जनरल से चीजें, इसको आपको हर हाल में याद रखना। यहां पर ये छोटी कोष्ठ, ये दोनों बड़ी कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ के मतलब कि आगे और पीछे दोनों पॉइंट लिया जाएगा और बीच वाला भी लिया जाएगा, और छोटी कोष्ठ के मतलब आगे और पीछे नहीं होगा, सिर्फ बीच में होगा। इसका मतलब कि -1.5 और 1.5 के बीच वाला सिर्फ होगा, वो -1.5 और 1.5 नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर कहें तो -1.5 भी होगा और 1.5 भी होगा और उसके बीच वाला भी होगा। तो आपको हम इंटरवल पढ़ाए थे, इसका नाम क्लोज क्लोज इंटरवल था, क्लोज क्लोज इंटरवल, इसका नाम था ओपन ओपन इंटरवल। ये सब आपको विशेष में हम बता दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, जब हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और जब सिलेबस चालू किए तो उससे पहले भी हम बताए थे, और इलेवेंथ में भी आप लोग डिस्कस किए होंगे इंटरवल क्या होता है। तो अब हम इस टॉपिक पर एकदम ध्यान से देखेंगे, छोटा सा बात है, इसको हम दिमाग में सेटलमेंट कर लें। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब उस पर हम बात करते हैं। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि पाई माइनस थीटा हमेशा घटेगा, फिर आप कह सकते हैं 2π - थीटा, 3π - थीटा, डॉट डॉट,
और आपको याद होगा कि पाई नॉट चेंज, नॉट चेंज, पाई के साथ नहीं बदलता, याद रखिए पाई के साथ नहीं बदलता। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन सवाल जो आप लोग हम लोग पढ़ते थे पहले कि साइन इनवर्स दू, चाहे साइन इनवर्स हम बोले वन बाई टू, तो आप कट सुकून बोलते कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स रेंज को सेटिस्फाई किया, पाई बाय सिक्स आंसर हो जाता था। इस टाइप को हम लोग बहुत पढ़े थे, लेकिन हम लोग इस टाइप पर बात नहीं करें जिसको इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन फाइव ले लिए, इस पर अगर हम बात करें तो पहला आप देखें कि अच्छा सर जी तो फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो रिजल्ट एक्स, तो आप सोचे साइन इनवर्स साइन फाइव तो फाइव, यानी गलत। क्यों गलत? वही मेन चीज पढ़ना हम लोग, इसी पर फोकस है मेन। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन फाइव, मतलब फाइव को देखिए कि साइन इनवर्स से माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में है कि नहीं है, तो नहीं है, बहुत दूर है, तो इसको खींचेंगे कि बीच में आवो तुम, तो हम इसको कहेंगे कि लिख सकते हैं छोटू कि साइन इनवर्स साइन फाइव, फाइव को लिख सकते हैं 2π-5। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2π-5, तो अब चेक करिए कि क्या माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में है कि नहीं है। तो देखिए चेक करके जस्ट पूरा हम लोग देखते हैं, 2 × 3.14 - 5, तो हम अगर गुना करें तो 4 × 8 = 2 हो गया, 0.26 - 5 1.28, और 1.28 जो देख रहे हैं तो माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में है, यानी सेटिस्फाइव कर दिया, इसके अंदर है, तो है तो हम लोग अब देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट तो हो गया 2π-5, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि 2π-θ कौन में है, 2π-θ देखते हैं तो हम लोग को फोर्थ में है। अब फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, इसलिए इसमें आगे क्या लगा देंगे माइनस, यानी आप कह सकते हैं कि साइन 2π-θ बराबर माइनस आगे यहां लगेगा, और साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूला पढ़े कि माइनस आगे हो जाता है, जस्ट फॉर यहां पर हम लिख दिए माइनस से अगर गुना करें तब 5 - कितना है 2π। तो छोटा छोटा बात ई अगर आप जान रहे हैं इस सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने, रिवाइंड कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 5 हम देखें कि माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में नहीं है, तो नहीं है, इसलिए हमने लिखे 2π-5, और इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आता 1.28 जो माइनस 1.5 और 1.5 के बीच में है, जो सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई करने के कारण लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। अब हम देखते हैं 2π-θ फोर्थ में गया, फोर्थ में कॉस से पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखे माइनस, माइनस से गुना किए तो माइनस हो गया ही, और माइनस वाला प्लस हो गया तो आगे लिख दिया। अब एक क्वेश्चन में हम समझते हैं कि स्पष्ट नहीं हुए, इस पर एक आध क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन डील करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगे, और इस टाइप के एवरी क्वेश्चन आएगा कभी भी तो आप बना सकते हैं। तो एक दूसरा सवाल इस पर हम लोग देखते हैं, दूसरा सवाल हम लोग को क्या है इस पर बात करते हैं, मान के चलते हम जस्ट यही क्वेश्चन देते हैं, लेते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 5, दम वही क्वेश्चन है, जस्ट दम है। अब इसको देखिए कॉस इनवर्स कॉस 5 कहता है, कॉस कहता है कि हम जब भी आंसर आएंगे तो 0 आएंगे, ना तो 3.14 आएंगे, ना तो 3.14 और 0 के बीच में ही होना चाहिए, तो क्या 5 0 और 3.14 के बीच में है, तो जवाब नहीं है, तो इसको खींचेंगे। तो देखिए कहें कि अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π-5, चेक कर लेते हैं 2π, मतलब इसको हम अभी सॉल्यूशन किए थे तो आया था 1.28, और 1.28 0 और 3.14 के बीच में है या नहीं है, अगर आप 3π करके देखेंगे और 5 को घटा कर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बाहर जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग को ये सेटिस्फाई कर दिया 1.28 आ रहा है।
तो हम लोग लिखे cos इनवर्स cos x का रिजल्ट हुआ 2 पाई माइनस 5। अब हम देखेंगे चेक करके कि 2 पाई माइनस थीटा कौन में है, तो फोर्थ में है। अब फोर्थ में cos से पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव, इसलिए हम लोग लिख दे 2 पाई माइनस 5 और जो लाना है से आ गया। कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं छोटे तीसरा सवाल। इसी टाइप के तीन चार सवाल अगर हम आपको बताएंगे तो पूर्ण रूप से आप स्पष्ट हो जाएंगे। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10, एकदम वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बदलाव कर दिए। साइन इनवर्स साइन 10 का मान क्या होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि रेंज को सेटिस्फाई किया कि नहीं। तो देखते हैं कि रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब रेंज को सेटिस्फाई ना करेगा तो हम लोग दिमाग लगाएंगे कि किसी तरह उसी में आ जाए, तो 10 नहीं है, इसलिए देखते हैं चेक करके। 2 पाई में से 10 घटाते हैं तो लगता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम इसको कहते हैं कि साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10। चेक करके देखिए कि 3 गुना 3.14 माइनस 10, चरती 12 की 2 3 एक 4 और 3 3 यानी 9 माइनस 10, यानी अब इसको घटा कर आप देख लीजिए कि 10.00 एकदम सिंपल वे में घटा दे रहे हैं हम आपको कि समझ में आ जाए। 9.42 तो 10 में से 2 8 यहां पर बना, 9 में से 4 5 इधर हो गया 0.5 आगे माइनस, तो ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इसलिए हम लोग देखें कि कौन सा चतुर्थांश में गया, ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा चल गया जाके सेकेंड में, और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 3 पाई माइनस 10। एकदम इजी वे है। आप इतना वास्ट सवाल को इतना आसान से समझ लेंगे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। खाली एटलीस्ट जिस तरह क्लासरूम में हम लोग बैठकर येलो बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर हम लोग पढ़ते थे एकदम ध्यान से, उसी तरह से हम जब पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन पर दम एटलीस्ट दिमाग को ड्राइविंग करके देखिए। जब भी इन्होंने दिमाग जाए तो दिमाग को डाइवर्ट कीजिए और अपना स्क्रीन पर बोर्ड स्क्रीन पर लाइए अपना दिमाग को, तब देखिए कैसे आप समझते हैं। घर पर बैठकर भी आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि तीन क्वेश्चन में कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए चौथा सवाल अगर हम लें, चौथा सवाल लेते हैं छोटे एकदम सिंपल, इसी में लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस 10। हमको उम्मीद है कि आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइव के माध्यम से इसलिए हम ही बता देते हैं अभी। देखिए cos इनवर्स cos 10, तो इसको हम सिंपल वे में पहले लिखे cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस, अगर 10 किए थे तो माइनस में आ गया था, तो इसका मतलब क्या और बढ़ेगा, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि 4 पाई माइनस 10। अब इसको आप चेक करके देखेंगे तो हम पक्का सेटिस्फाई करेगा कि 0 और 3.14 के बीच में है, नहीं तो आप घर पे सॉल्यूशन करें, 4 × 3.14 में 10 घोट है तो बीच में आ जाए। अब देखिए 4 पाई माइनस थीटा कहां पर गया, तो 4 पाई माइनस थीटा आ गया आपको फोर्थ में। अब फोर्थ में cos एक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गई तय हो गया। अब पढ़े कि cos इनवर्स cos x तो रिजल्ट 4 पाई माइनस 10 एकदम इजी वे में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए दो चार क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस पर। चलिए पांचवा सवाल हम आपको सिंपल में लेते हैं, पांचवा एक सवाल लेते हैं और छठा नंबर आपको दे दें घर से बनाने के लिए। पांचवा सवाल हम सिंपल में लेते हैं tan इनवर्स tan 4, tan इनवर्स tan 4, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। तो tan इनवर्स लिखेंगे कि tan पाई, तो पाई हो गया मतलब 3.14 में 4 अगर घटावेंगे, 3.14 में 4 को अगर घटाते हैं 10 में से 4 6, यहां बच गया 9 में से 1 घटा लीजिए तो 8 आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर दिया। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो आप लिख देंगे कि पाई माइनस 4, लेकिन देखेंगे
कि आउट पाई माइनस थीटा चल गया सेकेंड में, और सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो इसीलिए यहां टेन है तो आगे माइनस लगेगा, अब माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको फोर माइनस पाई। मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि इस टाइप का जो भी सवाल आपको सामने आएगा, कोई कैसे इस टाइप का सवाल अगर दे दें तो आप ऑटोमेटिक और आराम से बना सकते हैं, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं। इसे इस पर दो होमवर्क आपको बनाने के लिए हम दे देते हैं, छठा और सतमा आपको होमवर्क के लिए रहा कि आप बनाते हैं कि नहीं। छठा सवाल बना कर आइएगा आप लोग, नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको देंगे तो कि टेन इनवर्स टेन सात का मान क्या होगा। अच्छा है, बेहतरीन है। और एक हम और आपको कहते हैं सातवा नंबर बात, सातवा नंबर में आपको हम दे देते हैं कि आप घर से बना कर आए टेन इनवर्स टेन। अब इसको आप बना पाते हैं कि नहीं, देखते हैं आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, आप घर पर देखते हैं ट्राई करके आप लोग कैसे बनाते हैं। ऐसे हम लोग इसका दो पार्ट में हम वीडियो को बनाएंगे, बेहतरीन ढंग से रहेगा। एक पार्ट अभी हम लोग को लगभग समाप्ति की ओर है, इसमें थोड़ा अपर लेवल पर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, कितना अच्छा अच्छा सवाल देते हैं उस पर बात करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कैसनो रहेगा तो आप लोग बना देंगे, हम लोग ध्यान से ही देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप में कैसा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी जा सकता है और ये भी वीडियो में हो सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए ध्यान से